काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें जिम जाना चाहिए या फिर जिम को किट को घर पे बुला लेना चाहिए। तो काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनकी जो फैमिली प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर होती है और वो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो चाहते हैं कि उनको जिम जो है वो घर पे मिल जाए या फिर वो जिम के इक्विपमेंट घर पर ही ला ले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपके आप ऑनलाइन जिम इक्विपमेंट बुलवा सकते हो, वो भी काफ़ी कम दाम में, यानी कि 2 या 3 हज़ार रुपये में आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे जिम के। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक जिम फिटनेस जिम किट को बुलवाया है जो कि फ्लिपकार्ट से आई है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसी रहती है जिम किट और कैसा क्या रहता है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं टेकी आरजे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देख सकते हो आप, ऐसी है कोई जिम किट हमारी, इसको मैंने बुलाया फ्लिपकार्ट से और ये आई है। इसका नाम है KRX फिटनेस जिम किट। तो इसके अंदर मैंने 40 kg तक का वेट बुलवाया है और इसके अंदर साथ में डंबल्स की रॉड मिल जाएगी आपको, बारबेल रॉड मिल जाएगी और जो कर्ल वाली रॉड रहती है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो फटाफट से इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पहले मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके बाद मैं आपको पूरे इक्विपमेंट दिखाने वाला हूँ। तो अनबॉक्सिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अनबॉक्स मैं खुद ही कर लूँ, डायरेक्ट आपको इक्विपमेंट दिखाऊँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या आता है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं मेरी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ आपको इक्विपमेंट देखने को मिलने वाला है। अभी अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट इसको जमा के कि ये कैसे कैसे दिखने वाले हैं। तो 1 2 सो गाइस, देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने बुलवाई एक डंबल रॉड, डंबल रॉड है, एक जिगजैग रॉड है जो कि 3 फीट की है, और एक जो सबसे बड़ी वाली रॉड है चेस्ट रॉड जो कि प्लेन रॉड आती है वो 5 फीट की है। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर वेट भी बुलाया कुछ, तो वेट आते हैं इसके अंदर 3 किलो के 4 आते हैं, 5 किलो के 4 वेट है और 2 किलो के 4 वेट है, ऐसे टोटल मिला के 40 kg का वेट आता है। इसके साथ साथ आपको एक रोप मिल जाती है, 2 ग्लव्स भी मिल जाते हैं और एक हैंड क्या बोलते हैं व्रिस्ट कलाई बनाने वाला एक वो भी मिल जाता है बैंड। तो यही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो इतना ही था ये वीडियो के अंदर, और काफ़ी सॉलिड है यार, देख सकते हैं आप, काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी मुझे अच्छी क्वालिटी लगी। हाँ, जो रॉड है वो थोड़ी सी पतली है, जबकि दोनों रॉड है थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए थी, लेकिन जो दोनों रॉड है वो थोड़ी सी पतली है। बाकी जो वेट है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। मैंने काफ़ी सारे इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखा था कि जो लोग बुलवाते हैं वो बोलते हैं कि काफ़ी थका हुआ आता है, यानी कि काफ़ी कमज़ोर रहता है, लेकिन मैंने देखा हूँ कि ये काफ़ी सॉलिड और काफ़ी मतलब पत्थर जैसा लग रहा है। टोटल कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, और जो दोनों डंबल रॉड है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसे डंबल रॉड के साथ साथ आप उसको कसने के वो भी मिल जाते हैं दोनों प्लग। तो मुझे काफ़ी पसंद आया यार ये इक्विपमेंट, मैंने ये मेरे होम जिम के लिए बुलवाया हूँ, क्योंकि मैं जिम जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता और जिम में पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, उससे अच्छा मैंने वेट भी बुलवा लिया। ये वाला पार्ट में यार बनाना भूल गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इक्विपमेंट दिखते कैसे है। तो सबसे पहले चलते यार रॉड्स के पास। तो रॉड्स यार काफ़ी वजन वाली है, देख सकते हैं आप, काफ़ी हैवी वेट वाली रॉड्स है और पूरी मेड बाय स्टील है, रॉड जो स्टील की है। हाँ, बस थोड़ी सी छोटी है, उसके लिए जो प्लग्स आए वो काम आ जाएंगे। तो रॉड्स के मामले में तो काफ़ी अच्छी रॉड्स है। अब इसके बाद चलते हैं हम वेट के ऊपर। तो वेट तो काफ़ी सॉलिड है यार, मैंने देखा भी कि वेट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि PVC की प्लेट सही नहीं है, रबराइज प्लेट्स तो होगी और काफ़ी हेवी प्लेट्स है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वन मिनट। तो गाइस, देख सकते हैं आपको ऐसी कुछ प्लेट मिलती है, काफ़ी भारी प्लेट है यार, 2 किलो की प्लेट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 किलो की प्लेट होगी। वो काफ़ी सॉलिड है और पूरी PVC की कोटिंग और साथ में रबराइज कोटिंग भी की गई है। तो जो लोग रिव्यूज़ में लिखते हैं कि यार काफ़ी बकवास क्वालिटी है, मैंने देखा है फ्लिपकार्ट के लोग रिव्यूज़ में लिखते हैं कि काफ़ी बकवास क्वालिटी है, रेता बाहर आ जाती है, तो मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं लगी यार, पूरी पैकिंग के साथ दी गई और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर हमारे डंबल रॉड के ऊपर। तो डंबल रॉड भी काफ़ी सॉलिड है, इसके अंदर आप अच्छे से अच्छा वेट फंसा सकते हो।
और ये रही यार 5 किलो की प्लेट, ऐसे लग रहा है कि 10 किलो की प्लेट होगी, क्योंकि काफी सॉलिड प्लेट है। मुझे तो काफी टाइम लग जाएगा इसको उठाने में भी। तो इतना ही था इस वीडियो में, आप देख सकते हैं आपको इतना ही सारा सामान मिलता है। इसके साथ साथ जो प्लग्स आए इसको लगाने के, और जो ये वाले रहते हैं ये आए इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं आता। ये देख सकते हैं मैंने डंबल बनाया है, इसके अंदर से भी मैंने पन्नी नहीं निकाली है। ये 3-3 किलो के वेट मैंने फंसा के रखे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो यही था, इतना ही था आज के इस वीडियो में यार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर भी कर देना, ताकि जो लोगों को ये सामान बुलवाने होंगे तो उन्हें कुछ आइडिया तो लग जाएगा कि कितने का बुलाना चाहिए। और हाँ, बेस्ट बाय लिंक मैं आपको मैं अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको मैंने 40 kg में बुलवाया हूँ, आप चाहे तो 30 kg और 20 kg में बुला सकते हैं। मैं तीनों की लिंक आपको इसमें डाल दूंगा। इसे मैंने बुलवाया 2,250 रुपये के अंदर, और मैंने HDFC के डेबिट कार्ड से पेमेंट किया था, तो मुझे 5% का कैशबैक मिला था, तो लगभग मुझे ये 2100 रुपये का पड़ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।